जाएंगे और वहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं उनके साथ बैठकर प्रधानमंत्री जी पूजा करेंगे रुद्राभिषेक की। और इस समय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ मंदिर परिसर के अंदर, ये मैं जैसा बता रहा था कि मंदिर का ये मंडप वाला हिस्सा है जहाँ से प्रधानमंत्री जी इस समय गुजर रहे हैं, जहाँ पर महाभारत काल की जो मंदिर हैं छोटे छोटे वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो सामने जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है वो गर्भगृह का दरवाज़ा है, इसी के अंदर भगवान केदारनाथ विराजमान हैं, जहाँ पर जो पूजा है वो प्रधानमंत्री करेंगे रुद्राभिषेक की पूजा। इस समय जो मंदिर का मंडप है उसमें मौजूद हैं और ये प्रधानमंत्री जी गर्भगृह की ओर जाते हुए उनके साथ उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रोटोकॉल मिनिस्टर धन सिंह रावत मौजूद हैं। दीपावली के बाद पड़वा के दिन इस मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं और 6 महीने तक यहाँ से बाबा का विग्रह और जो दंडी है वो ऊखी मठ की ओर लेके जाई जाती है और 6 महीने तक भगवान केदारनाथ ऊखी मठ में विराजमान रहते हैं और वहीं पर तमाम श्रद्धालु ऊखी मठ में जो भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने तक ये मंदिर बंद रहता है। उसके बाद मई में जब यात्रा शुरू होती है उसके बाद इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। इस समय अगर आप दृश्य देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय केदारनाथ जो बाबा हैं उनके पास बैठे हुए हैं, मंदिर का गर्भगृह है और वहाँ पर जो पूजा है रुद्राभिषेक की पूजा इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के ही पुजारी मृत्युंजय महाराज हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर रुद्राभिषेक की पूजा किस तरह से होती है, क्या इसका पूजा का महत्व होता है। महाराज क्या कितना महत्व है इस पूजा का और क्या क्या होता है इस पूजा में? सबसे पहले तो सभी दर्शकों का श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हार्दिक स्वागत करती है। देखिए जहाँ तक रुद्राभिषेक का सवाल है तो इस कलिकाल में भगवान आशुतोष महादेव को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय बताया गया है रुद्राभिषेक, जो कि भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय होने के कारण इसके श्रवण मात्र से ही जीव स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही दशाओं को प्राप्त होता है। इसकी विधि ऐसा कहा गया है कि इसके 2 भाग हैं, नमकाध्याय और चमकाध्याय। भगवान शंकर का अभिषेक यदि नमक और चमक से किया जाए तो जीव स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही दशाओं को प्राप्त होता है। नमकाध्याय में भगवान शंकर के गुणों का वर्णन है कि भगवान शंकर के किस प्रकार के गुण हैं, किस प्रकार की उनकी प्रकृति है। और चमकाध्याय में भगवान शंकर से नाना प्रकार के वरदानों को मांगा जाता है। तो जीव यदि तन्मयता से भगवान शंकर के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक कर लेवे तो वो जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और अंत समय में परम धाम को प्राप्त होता है। रुद्राभिषेक के बारे में कहा जाता है कि कई तरह से जो रुद्राभिषेक की पूजा की जाती है, रुद्राभिषेक अभिषेक का मतलब ही स्नान होता है और शिव ही रुद्र है और रुद्र ही शिव है। और कहा भी जाता है कि सर्व देवात्म को रुद्र, सर्वे देवा शिवात्म का, अर्थात सभी देवों की आत्मा में रुद्र उपस्थित है। और रुद्राभिषेक में कई तरह से अभिषेक किया जाता है, जिसमें जल से अभिषेक किया जाता है, घी से अभिषेक किया जाता है, शक्कर मिले दूध से अभिषेक किया जाता है, शहद से अभिषेक किया जाता है, भस्म से अभिषेक किया जाता है, फलों के रस से अभिषेक किया जाता है, चने की दाल से अभिषेक किया जाता है, काले तिल से अभिषेक किया जाता है, केसर हल्दी से अभिषेक किया जाता है। तो और इस पे हर एक अभिषेक का, चाहे वो जल से किया जाए, घी से किया जाए, शहद से किया जाए, इसके हर एक अभिषेक के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग उसके कह सकते हैं कि पुण्य हैं, अलग अलग उसके जो रिजल्ट हैं वो अलग अलग मिलते हैं। महाराज जी ये बताओ कि ये जो अलग अलग तरीके से तमाम
तरीके से रुद्राभिषेक किया जाता है, चाहे वो जल से किया जाए, शहद से किया जाए, काले तिल से किया जाए, इनके क्या मायने हैं और क्या पूरी प्रक्रिया रहती है इस रुद्राभिषेक की? जी, सबसे पहले तो भगवान का पंचामृत अभिषेक किया जाता है, जिस प्रकार गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के बने हुए घी से, और उसके बाद शर्करा से अभिषेक किया जाता है। तो इन तमाम प्रकार के अलग अलग विभिन्न प्रकार के अभिषेकों का अलग अलग महत्व है। जिस प्रकार गाय के दूध से अभिषेक करने का, तो ये वंश वृद्धि का कारक होता है, और गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार अलग अलग तमाम प्रकार के अलग अलग विधियों से अलग अभिषेक करने का अलग अलग महत्व होता है। तो इसी प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज भगवान केदारेश्वर के श्री चरणों में नाना प्रकार के अभिषेक करेंगे, उसके पश्चात जलधारा द्वारा रुद्राभिषेक करेंगे। प्रधानमंत्री, यहाँ पर रुद्राभिषेक के साथ साथ कई सारी परियोजना हैं और जो केदार नई केदारपुरी से जुड़ी हुई हैं उनका भी शिलान्यास करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे तो केदारनाथ धाम के जो तमाम जो लोग थे वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी उनसे संबोधित करें, उनके बीच में अपने विचारों को रखें, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे रुद्राभिषेक के बाद। कई सारे जो विकास कार्य हैं, जो केदार नई केदारपुरी है उसके निर्माण को लेकर जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनका शिलान्यास रखेंगे, उनकी आधारशिला रखेंगे, और उसके बाद जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो मंदिर के पुजारी लोग हैं, उनको संबोधित करेंगे और एक तरीके से ये बताएंगे कि नई जो केदारपुरी है। जो केदारपुरी है वो किस तरह की केदारपुरी होगी और किस तरह से भविष्य में जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पहुँचेंगे केदारनाथ धाम में तो उन्हें किन किन तरह की जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी, क्योंकि 2013 से पहले अगर हम केदारनाथ धाम की बात करें तो उतनी ज़्यादा सुविधाएं इस पूरे इलाके में नहीं थी, बाकी काफ़ी कंजेस्टेड ये इलाका था, छोटी जो गलियाँ थी यहाँ तक मंदिर तक पहुँचने में, और काफ़ी सारी जो परेशानियाँ हैं वो श्रद्धालुओं को उठानी पड़ती थी। लेकिन अब 2013 के बाद जब प्राकृतिक आपदा आई उसके बाद तेज़ी से यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किए गए, अभी भी लगातार जो निर्माण कार्य हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि 2018 में और भी इन निर्माण कार्यों में तेज़ी आएगी और पूरा जो केदारनाथ धाम है और जो नई केदारपुरी है वो पूरी उसकी काया पलट हो जाएगी और तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको यहाँ पर मिलेंगी। जी, एक चीज़ आप बताइए कि इस अगर मंदिर के बारे में अगर हम देखें तो कितना महत्व है हिंदू धर्म में इस मंदिर का, और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें कितनी महत्ता है इस मंदिर की? जी, इस मंदिर के विषय में कहा गया है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णन आता है, कहते हैं कि नर नारायणाख्यौ यावतारो हरे द्विजाः ते पाते भारते खंडे बदरिया समय वही। जब सतयुग में भगवान विष्णु के दो अवतार नर और नारायण ऋषि हुए, उन्होंने इस स्थान पे भगवान महादेव की कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान महादेव ने उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिया और पूछा कि हे ऋषिवर, आपको क्या वरदान चाहिए? लेकिन नर और नारायण ऋषि की संत प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने कहा कि हे महादेव, हमें तो आपके दर्शन ही पर्याप्त हैं, लेकिन आप इस संसार के कल्याण के लिए, इस चराचर जगत के कल्याण के लिए इस स्थान पे सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में विद्यमान हो जाइए। तब से भगवान महादेव हर समस्त जीवधारियों के कल्याण के लिए इस स्थान पे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। केदार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, के मैंने होता है मोक्ष, दार मैंने होता है दरवाजा, इस पुण्य क्षेत्र को मोक्ष द्वार कहा गया है, क्योंकि कहते हैं जीवन मुक्तो भवे सोपि जोगतो बदरी वनी। वो जीव जीवन मुक्त हो जाता है जो जीव जीवन में एक भी बार इस स्थान पे बद्रिकाश्रम में आकर भगवान केदारेश्वर के दर्शन पूजन कर लेवे।
क्योंकि इस केदार समस्त केदारखंड के अधिपति भगवान हमारे केदारेश्वर महादेव को बताया गया है। कहते हैं कि अस्य खंडस्य सस्वामी सर्वे सोपि विशेषतः सर्व काम प्रद शंभु केदाराख्यो न संशया, क्योंकि जो केदारखंड है समस्त केदारखंड के अधिपति भगवान हमारे केदारेश्वर महादेव हैं, जो कि समस्त भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। क्योंकि कहा गया है गत्वा तत्र प्रीतियुक्तः केदारेशं प्रपूज्य च तत्रत्यं उदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यति। जो भी श्रद्धालु श्रद्धा भाव से भक्ति भाव से इस स्थान पे आकर केदारेश्वर महादेव के दर्शन पूजन कर लेवे और उसके पश्चात भगवान केदारेश्वर के दिव्य ज्योतिर्लिंग के अभिषिक्त जल का पान कर लेता है, वो जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो जीव का ये जो 84 लाख योनियों का फेरा है, वो 84 लाख योनियों का फेरा हमारे केदारेश्वर महादेव के श्री चरणों में आकर समाप्त हो जाता है और जीव अंत समय में परम धाम को प्राप्त होता है। कहते हैं दृष्ट्वा रूपं नरश्चैव तथा नारायणस्य हि केदारेश्वर शंभुश्च मुक्तिभागिन संशयः। जो भी श्रद्धालु इस केदारेश्वर धाम में आकर यदि आप दक्षिण द्वार से आप अंदर जाएंगे प्रवेश करेंगे तो दक्षिण द्वार में ही नर और नारायण ऋषि की जो विग्रह है उसके दर्शन करने के पश्चात भगवान केदारेश्वर महादेव के दर्शन कर लेवे तो वो जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मानो वीरान् रुद्रामिनो वदितान्तः सदमित्वा हवा इस समय प्रधानमंत्री रुद्राभिषेक की जो पूजा है वो करते हुए ये पूरा जो केदारनाथ धाम है वो तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक तरफ केदारनाथ है, दूसरी तरफ खर्च कुंड है और तीसरी तरफ भरत कुंड है। पांच नदियों का जो संगम है वो भी कहा जाता है कि यहाँ पे पांच नदियों का संगम है, जिसमें मंदाकिनी है, मधुगंगा है, क्षीर गंगा है, सरस्वती है और स्वर्ण गौरी है। अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी मौजूद है और शुरुआत में जिस समय 2013 से पहले जो मंदाकिनी है वो मंदिर के दक्षिण में बहती थी और इस समय अगर हम बात करें तो सरस्वती और जो मंदाकिनी है वो मंदिर के दोनों ही तरफ से बहती हैं और उसके बीच में तीनों पहाड़ों के बीच में ये मंदिर विद्यमान है और दूर से ही कई किलोमीटर दूर से ही आपको ये भव्य जो मंदिर है तीनों पहाड़ों के बीच में विद्यमान दिखाई देगा और बहुत ही विहंगम जो दृश्य है वो इस मंदिर का दिखाई देता है। बर्फीले पहाड़ चारों तरफ से घिरे हुए इस मंदिर को और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समय रुद्राभिषेक की जो पूजा है वो संपन्न की है और जो मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं और जो रावल हैं
वो उनको भस्म और तिलक लगाते हुए केदारे सर भगवान मंदिर में जिस तरह से उन्होंने भारत माता की रुद्राभिषेक की पूजा संपन्न की है उसका आशीर्वाद देते हुए भीमा शंकर जो मुख्य रावल हैं पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री को माला पहनाई है जो मंदिर में ही भगवान केदारेश्वर को चढ़ी हुई माला है वो प्रधानमंत्री को चढ़ाई है भीमा शंकर ने और पूरा जो मंदिर है हालांकि हर समय अगर आप इस मंदिर परिसर में आए चाहे कोई भी मौसम हो ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन जो यहाँ का तापमान है वो काफ़ी कम रहता है तो तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो उसकी सुविधाओं का भी ध्यान जो यहाँ की सरकार है वो रख रही है तमाम तरह के जो निर्माण कार्य हैं वो लगातार कराए जा रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे उन्हें परेशानी ना हो। इस समय भगवान केदारनाथ को शीश नवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में विधिवत रुद्राभिषेक की पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर से बाहर आते हुए और तमाम जो लोग हैं वहाँ के जो पुजारी हैं उनका अभिनंदन उन्होंने स्वीकार किया है और अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो केदारपुरी के विकास की जो परियोजना है उनकी आधारशिला रखेंगे। भगवान नंदी की पूजा की उन्होंने और उसके बाद पारंपरिक रूप से उनका स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 5 महत्वपूर्ण परियोजना हैं जिनकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे आज जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ के स्थानीय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं उनको सुनने के लिए और ये जो मंदिर का मंडप वाला हिस्सा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिक्रमा कर रहे हैं जैसा पहले बताया था कि कई सारे जो छोटे मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं महाभारत काल के जिसमें नकुल सहदेव युधिष्ठर भीम अर्जुन और श्री कृष्ण आप प्रधानमंत्री मंदिर परिसर की ओर आते हुए सामने भगवान नंदी की मूर्ति है और उसके बाद जो परिसर है वो पूरा खुला हुआ परिसर है और जहाँ पर नंदी की मूर्ति विराजमान है उसके बाद प्रधानमंत्री जैसा कि हम बता रहे थे कि 5 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिसका